तो मेरा नाम है कैंट पटेल, आप देखे मेरा न्यू ब्लॉग। अभी हम सब रेडी है, हम सब नहीं, हम दो ही है। जैनल भी रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। अभी फटाफट से हम लोगों ने बैग वैग सब पैक कर लिया है और जो भी हमारा लगेज है वो यहीं पे छोड़ के जाएंगे। हम लोग होटल वाले से बात कर ली हम लोगों ने, यहाँ से 30 किलोमीटर जैसा है, फटाफट हम लोग निकलते हैं। बीच में हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, चाय इसको भी पीनी है और मुझे दवाई भी लेनी है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जो भी हमारा सामान था बंजी इसमें रख दिया और फटाफट से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। मेरा दूध भी बोल दिया तो दवाई लेके हम लोग निकले। ये आ गया मेरा दूध और यहाँ पे हमारा आ चुका है पोहा बटाका। हम लोग निकल चुके हैं हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। मौसम अभी खुल गया तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और ये देखो प्यारे प्यारे पहाड़। तो हम लोगों ने रेन कवर पहन लिया है तो अभी कहीं पे भी बारिश गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, कहीं पे बारिश गिरती है कहीं पे धूप होती है, तो हम लोगों ने रेन कवर तो लगा ही लिया है। और ये देखो बस छोटा सा घाट चढ़ते हुए ओवरटेक कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा रोड है, हाँ थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन भाई ये नज़ारे चेक करो आप। क्या प्यारा रोड है, पूरे पहाड़ के नीचे से हम लोग जा रहे हैं। देखो हम लोग वहाँ से आए और नीचे तालाब भी है। ये देखो बकरियाँ कहाँ से उतर रही है। मज़ा आया सब रास्ते में सब मिलेगा, ये चेक करो। वाओ क्या प्यारा व्यू है। अब और क्या चाहिए, बस ये देखो ये भी कब से वीडियो शूट कर रहा है। जो हम बस को ओवरटेक करके आ रहे थे ना वो रही बस और ये प्यारा व्यू, ये चेक करो पूरा व्यू एकदम ऊपर आ गए, पहाड़ चढ़ रहे थे ना उसके ऊपर। क्या प्यारा नीचे, क्या बोलो। गढ़ के गेट के पास अभी यहाँ से पासिस लेते हैं। अभी एकदम जंगल में आ गए हम लोग और रास्ता तो आप देख रहे हो पूरा ऑफ रोड और मेरी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी आवाज़ कर रही होगी। तो अभी हम लोग है हरिश्चंद्रगढ़ के नीचे और यहाँ पे मेरे पीछे है ये बड़ा वाला वाटरफॉल, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है, क्या प्यारा व्यू है। ये जो माउंटेन है उस पर भी है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे, वहाँ से हमें चढ़ना स्टार्ट करना है। मुझे वहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिख रही है तो चलो फटफट निकलते। चलो जैनल भाई, यहाँ से कितना बड़ा लग रहा है और हमें जाना है। ये रहा गेट, तो ये गेट से एंट्री है और यहाँ की देखो गाय, ये हमारा जैनल भाई। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है, अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए और सांस चढ़ने लगी है और यहाँ से भी ये वाटरफॉल दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा फॉग हो गया है, हम लोग जितने जितने ऊपर जाएंगे ना और भी सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। पानी से नीचे आ गया पत्थर वत्थर तो थोड़ा चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन एकदम मस्त है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर ब्रेक लिया था, फिर से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े हैं और मैं एकदम देख देख के चल रहा हूँ। अभी सब लोग ऊपर जा रहे हैं और हम दोनों यहीं पे हैं क्योंकि हमसे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है ऐसा नहीं, थक गए हैं। वैसे तो अच्छी है लेकिन बैंड बज चुकी है। और ये रहा जैनिल, रेलिंग के पास आ चुके हैं और ये देखो ऐसी रेलिंग है, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं और वहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है। बहुत बारिश है, अभी थोड़ी हल्की हुई है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। ये रहा जैनिल, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। जो मैं वाटरफॉल की बात कर रहा था ना वो ये रहा, ये देखो कितना बड़ा है। थोड़ा सा फॉग हटेगा ना तो बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पे भी सब जगह वाटरफॉल है, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। पे हमको ये अंकल आंटी मिले, उनका ऊपर स्टॉल है
तो उन्होंने बोला है कि मैगी और क्या पोहा तो, खाने के लिए दाल राइस सब्जी वो भी मिलता है और क्या झुनका मक्कर हाँ। वो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन हाँ। अच्छा ओके हम लोग तो ऐसे ही चल के आ रहे हैं हाँ। और ये अंकल और आंटी है हाँ। ये जो है ये ऊपर सर पे रख के सामान आए तो इनके लिए सैल्यूट है तो आते हैं हम लोग ऊपर ओके। और ये देखो यहाँ से बहुत ही प्यारा वाटरफॉल दिख रहा है और थोड़ा सा और आगे आते हैं ये देखो प्यारा सा वाटरफॉल बहुत ही मस्त है। हम ये छोटे से वाटरफॉल को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, छोटा नहीं है बड़ा है भाई, बड़ा है वाटरफॉल बड़ा है, यहीं से मस्त देखेगा ये देखो। थोड़ा हम लोग ऊपर आए और ये देखो ये वाटरफॉल है लेकिन मैं पास से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये डेंजर है। ये देखो हमें इसी रास्ते से जाना है, रिवर है वो कौन सी है मेरे को नहीं मालूम लेकिन उसके रिवर के साथ साथ हमको चलना है। और जो भाई लोग मिले थे वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ा डेंजर है तो हम लोग देख देख के चलेंगे तो चलो। और देखो आगे कैसा है, ऊपर आए हैं थोड़ा सा तो ये छोटा सा ब्रिज आता है तो यहाँ से ब्रिज उतरते ही हमें जाना है इधर। और ये देखो प्यारी सी छोटी सी रिवर, हम लोग ऐसी कुछ लोकेशन पे बैठे हैं थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने ब्रिज दिखाया ना आपको वहाँ से इधर तक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम यहाँ से आए हैं और ये रास्ता है, यहाँ से हमें जाना है ऊपर और जो वाटरफॉल मैंने आपको मैं दिखा रहा था ना वो ये रहा, हम उसकी उससे ऊपर आ गए हैं, उससे ऊपर आ गए तो अभी धीरे धीरे करके चलते ओके। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है तो यहाँ पे हम कुछ मैगी वैगी खाएंगे, चावा पिएंगे, जैनिल शायद पिएगा। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ही मस्त पेड़ है, अभी हम लोग यहाँ से इससे भी ऊपर जाना है लेकिन बहुत ही फॉग हो गया है, ये देखो बहुत फॉग हो गया है, अभी देखते हैं क्या, अभी जाना तो है लेकिन ये थोड़ा फॉग चला जाएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा और हम लोग ऊपर जाके व्यू देख सकते हैं, मेन चीज़ ये। तो अभी देखते हैं, मैं वेट करता हूँ, अभी हम लोग चाय या कॉफ़ी पियेंगे और मैगी भी खाएंगे तो चलो। तो अंकल लोग मिले थे ना, अंकल और आंटी, उन लोग के पास आए तो मैगी हम लोग अभी मंगाई है तो अभी खाते हैं। हम लोग है ऊपर आ चुके हैं और ये जो अंकल लोग मिले थे ना ये इनकी शॉप है और ये रहे अंकल। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैगी वैगी खाया, बहुत मज़ा किया और बहुत सारी बातचीत की तो उनसे पूछते कि क्या क्या है और
अभी हम लोग अंदर चलते हैं क्योंकि हवा ज्यादा है। तो ये है अंकल, तो आप कैंपिंग करते हैं उसकी थोड़ी डिटेल दे दो ना। हाँ, हम तीन आदमी रहते हैं कैंपिंग के लिए। हाँ जी। एक टेंट में तीन आदमी रहते हैं 500 रुपए, और खाने का 150 रुपए, और चाय नाश्ता का 50 रुपए लेते हैं इधर। आप लेते हो इधर। हाँ। और कितने तक लोग कैंपिंग कर सकते हैं? हमारे पास तो 150 तक हम करेंगे। 150 तक, तो आप लोग भी आ सकते हो, हम लोग को भी बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मेन चीज ये है कि अभी फॉग बहुत ज्यादा है, तो ये अंकल बोल रहे हैं कि ऊपर मत जाओ, क्योंकि ऊपर जाएंगे ना तो कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे ही जाएंगे। ये रही अंकल की शॉप, और आपको नंबर मैंने दे रहा हूँ, ये रहा, ये दो है नंबर, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप चलता है आपका? व्हाट्सअप भी चलता है और फोन भी कर सकते हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट करना। जो भी हरिश्चंद्र गढ़ आ रहे हो तो आना। ओके, तो चलो मिलते हैं। मिलते भाई। बाय बाय। अभी हरिश्चंद्र गढ़ पे कुछ लोग हमें मिले हैं। कहाँ से हो आप लोग? महाराष्ट्र। कैसा लगा हरिश्चंद्र गढ़? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। फीलिंग है, डगत फीलिंग। बादलों में आ गए हम। और ऊपर भी अच्छा है। अच्छा है, इसके आगे, इसके आगे अच्छा है, लेकिन हम लोग एकदम ऊपर नहीं गए। सबसे ऊपर जाने वाले हैं। हरिश्चंद्र गढ़ पे आ जाइए, ट्रैकिंग के लिए आ जाइए। एक नंबर। क्या नजारा है, चलो बाय बाय मिलते हैं। तभी देखो, ये देखो इतना पानी नीचे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे ऊपर। ये देखो, क्योंकि ऊपर ज्यादा बारिश है, तो धीरे धीरे हम लोग नीचे ही जाएंगे। और जैनल भी यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके शूज ठीक कर रहे हैं। और क्या मस्त लग रहा है, क्या मस्त। ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग है, इधर इतना फॉग है, तो ऊपर तो बहुत सारा है। अभी हम लोग फिर से ब्रिज पे आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे पानी भी थोड़ा बढ़ गया है। और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे 2-5 मिनट रुकेंगे, फिर से निकलेंगे हम लोग। थोड़े से थक गए फिर से। अभी मैं अपने शूज़ वूज ठीक कर लेता हूँ, और हम थोड़ा थोड़ा रास्ता भटकते हुए, क्योंकि फॉग है, हमें ऊपर से जाना था और हम लोग नीचे चले गए रिवर के पास। और जो कैंपिंग, जो अंकल ने बताया था कि कैंपिंग करने के लिए, तो सितंबर दिसंबर में आप आ सकते हो। जो व्यू देखना, वो सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, वो सब देख सकते हो। और ये देखो मैं कहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। और थोड़ा नीचे आए, बारिश शुरू हो गई थी, और ये देखो बारिश की वजह से कितने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। वाटरफॉल इतने सारे देखे ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, और ये चेक करो क्या प्यारा वाटरफॉल दिख रहा है। ये पूरा नीचे का गांव है, और ये ऊपर से वाटरफॉल ही है यहाँ पे, लेकिन हवा इतनी है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत मस्त है। और फिर से फॉग आ गया। फाइनली हमारा हरिश्चंद्र गढ़ कंप्लीट, और हम लोग फिर से नीचे आ चुके हैं हमारी बाइक के पास। हम लोग कल आ चुके थे होटल में, और हम लोगों ने एकदम दबा के खाया, बहुत थके हुए थे,
आके सो गए, तो आज दूसरा दिन है और हम आज कहीं निकल रहे हैं, तो इसके लिए आप दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोग को। और हाँ, जो हरिश्चंद्रगढ़ है बहुत मजा आया, वाटरफॉल बहुत सारे थे। आप इधर देखोगे तो वाटरफॉल, आगे देखोगे तो वाटरफॉल, लेफ्ट में देखोगे तो वाटरफॉल, बहुत मजा है। और ट्रैकिंग के लिए जो ट्रैक करते हो बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत मजा आता है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा नॉर्मल भी है, सब तरह का है। और जो मैंने आपको टेंट के लिए डिटेल दी थी वो आप लोग जा सकते हो। जो व्यू देखना है आपको तो एक डेढ़ महीना और रुक जाओ, मतलब सितंबर अक्टूबर में आप आ सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Fica sentado em cima da piroca, 24 horas por dia.